टिक लैशेस भी अब निकलना शुरू हो गए। टिक जाओ बेटा, टिक जाओ, इज्जत रख लो यार मेरी, टिक जाओ। मानेगा ही नहीं कि हाईलाइटर खाली 99 रुपीज का है, बिकॉज लुक एट दिस ब्रो। डोंट एक्सपेक्ट कि इसकी बाथ एंड बॉडी वर्क जैसी कुछ भी होगी। आपका वॉशरूम थोड़ा सा मैसी हो जाता है, वोंट लाए, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है जिस दिन मैं यूज करती हूँ, बिकॉज सारा वहाँ पे इधर उधर स्टक हो जाता है। सो अच्छे से वाइपर लगा लेना वॉशरूम करने के बाद, वॉशरूम करने के बाद, नहाने के बाद। मैं एक तो इतनी फालतू इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिसकी नीड भी ना हो, बट हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर, एंड वेलकम टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। आई नो मेरे इनसाइट्स बता देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब पे हिट नहीं करते। प्लीज़ कर दो यार, फ्री है, बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड जो भी लोग कंप्लेन करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियोस नहीं दिखती या फिर यूट्यूब पर आप डाल नहीं रहे, मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रही हूँ। इट्स जस्ट दैट यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा मेसअप हो चुका है आजकल, वो शॉर्ट्स को ज़्यादा पुश कर रहा है। सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहते हो, उनके कंटेंट को देखना चाहते हो रेगुलरली, आप खुद ही यूट्यूब पर सर्च करो और हमारी वीडियोस देख लो, बिकॉज यूट्यूब तो आप खुद नोटिफाई नहीं कर रहा। मैं स्टोरीज पर भी इसलिए स्वाइप अप या फिर लिंक डालती रहती हूँ सो दैट आपको पता चलता रहे। सो इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्टेड, मेरे साथ कनेक्टेड रहा करो, आपको सब पता चल जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, उससे पहले ही अमेजोन सेलिब्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज अमेजोन पर स्टार्ट हो गई है आज से ग्रेट फ्रीडम सेल, जिसमें आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिलेंगे फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज में। सो आज 6 तारीख से शुरू हो चुकी है, 10 अगस्त तक ये सेल चलेगी। सो मैंने आज सुबह ही इनका ये सेल का ब्यूटी सेक्शन चेक किया, किस किस पे क्या डील है, और मैंने वहां से वाले प्रोडक्ट्स पिकअप किए हैं जो सबसे अच्छे डील्स पर हैं। आई ऑलरेडी हैव दीज प्रोडक्ट्स, तो मैं सबके शॉर्ट रिव्यूज भी दे दूंगी, प्लस इन सब पे डील अच्छी है तो आप लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। प्राइजेस के लिए ना प्लीज लिंक चेक कर लेना, माई हॉल स्टोर का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे ना सबके करंट प्राइसेस दिख जाएंगे, बिकॉज अमेजोन पे प्राइसेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, तो लिंक पर क्लिक करके आपको अपडेटेड प्राइसेस दिखते रहेंगे। सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड नाउ Let's go. Number one thing that I spotted in the sales section was this roll-on, और ये मैं regularly use कर रही हूँ 1 month से, तो मुझे feature करना ही था। I wish ये मैं monthly favorites में feature कर देती, मुझे याद नहीं रहा। एक तो इतने सारे products होते हैं ना, कौन कौन में रखे होते हैं याद नहीं रहता। So ये मुझे Smitten के किसी PR में आया था, बट ये Amazon पर अभी 127 rupees का मिल रहा है, तो definitely ले सकते हो। ये है निव्या का whitening smooth skin roll-on, this is how it looks like. Now I am someone who doesn't promote whitening and all, मैं नहीं बोल रही इसको लगाती हूँ, underarms गोरे हो जाएंगे, white हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, except the reality. अंडरआर्म की स्किन थोड़ी सी डार्क रहती है, बिकॉज ऐसे ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली वहां पे पिगमेंटेशन डार्कनेस होगी, तो आप कुछ भी कर लो आपकी अंडरआर्म एकदम गोरे तो नहीं होने वाले। बट यस, ये कहीं ना कहीं ओडर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देता है, मैं इसको जिम जाने से पहले अच्छे से लगाती हूँ। सो रोल ऑन से क्या होता है ना, जब भी आपको स्वेट आएगा, आपको मतलब आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा जब जिम में, तो वो स्वेट स्मेल में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज ये रोल ऑन कहीं ना कहीं उस स्मेल को प्रिवेंट करके रखेगा। सो रोल ऑन आर लाइक प्रिवेंशन रैदर देन क्योर, जो आप मिस्ट या फिर परफ्यूम लगाते हो। आई लव इट, ये व्हाइट कलर का है पूरा, मुझे पहले स्टार्टिंग में लगा व्हाइट कास्ट दे देगा, लेकिन कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं आई, कपड़ों पे कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। प्लस इट हैज 0% अल्कोहल, तो इसमें वो अल्कोहल नहीं है जो सस्ते वाले रोल ऑन्स में होता है, परफ्यूम में होता है, वो आपकी स्किन को डार्क कर सकता है, ड्राई आउट कर सकता है, इसमें नहीं है, तो आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है। सो इसको 1 month से ज्यादा हो चुका है मुझे यूज करते हुए, एंड आई कैन से मेरी स्किन डार्क भी नहीं हुई है, तो डेफिनेटली सेफ है। इसके अंदर मुलेठी एक्सट्रैक्ट्स हैं, इफ यू डोंट नो मुलेठी जो होता है इसको लिक्वराइज बोलते हैं, वो स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है, बहुत सारी व्हाइटनिंग लाइटनिंग क्रीम्स में आपको मुलेठी मिलेगा ही मिलेगा। So, इसमें भी उन्होंने डाला हुआ है, सो डेफिनेटली रियली नाइस। ये अभी 127 rupees का मिल रहा है अमेजोन पे, विच इज अ स्टील। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग फ्रॉम प्लम, ये है प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। इसकी जो ओल्डर वाली पैकेजिंग थी ना, जब बहुत पहले लॉन्च हुआ था, मैं उसको बहुत यूज करती थी, मैंने अपने कॉलेज टाइम में ये वाला फेस वॉश काफी यूज किया है। ये न्यू पैकेजिंग है जो काफी स्लीक और ऐसे लंबी आती है, दिस इज अ रियली नाइस फेस वॉश। अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको ब्यूटीफुली सूट करने वाला है। वैसे भी जो प्लम की रेंज है, इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, यू कैन रीड इट राइट हियर एज वेल। ये काफी जेंटली आपकी स्किन को क्लेंस करता है, जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव कर देता है। ऑल्सो इट हैज नो पैराबिन, नो थैलेट, नो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, SLSDA, PABA। द ओनली कॉन इज इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है, सो अगर आपको फ्रेग्रेंस इशू नहीं है तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अभी अमेजोन की सेल पे मिल रहा है 199 rupees का, एंड आई कैन सी इस पे 5% ऑफ का और कूपन लग रहा है। अमेजोन पे ना काफी बार आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको वहां पे दिखेगा कि एक्स्ट्रा कूपन भी लग रहा है, आप उस पर जब टिक कर दोगे ना और फिर कार्ट में डालोगे, तो जब आप चेकआउट करोगे उस टाइम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। सो मेक श्योर आप नीचे कूपन्स भी चेक कर लो कि कोई और एक्स्ट्रा डील लग रही है नहीं लग रही। सो डेफिनेटली वेरी नाइस, जो भी टीनेजर्स कहते रहते हैं कुछ अफोर्डेबल में बताओ, आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल रही है फॉर लेस देन 199। नेक्स्ट अप आई स्पॉटेड माय करंट फेवरेट ड्यूई सनस्क्रीन, जो है ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन। ये अभी आपको 339 rupees की मिल रही है, और नीचे लिखा है इफ यू बाय 2 यू विल गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ। तो अगर आप इसी ब्रांड में कुछ और भी ले लोगे, लाइक इसका एलोवेरा जेल भी काफी अच्छा है, या फिर इसी को 2 ले लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऐसी डील ना प्लीज देखते करो कि
अमेजोन नीचे आपको डील कौन से सजेस्ट कर रहा है. सो ये है एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस ड्यूई रेंज की सनस्क्रीन एंड दिस इज सो सो गुड. मैं इसको स्पेसिफिकली उस दिन यूज करती हूँ जब मुझे मेकअप अच्छा करना होता है, हैवी करना होता है, लाइक फुल फेस और फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट ब्लश एंड ऑल. बिकॉज जब मैट मेकअप आप करते हो ना, उससे पहले आप मैट सनस्क्रीन ही लगा लोगे, मेरा फेस क्रैक होना शुरू हो जाता है. दो आई हैव ऑयली स्किन, बट जब आप एक अच्छी ड्यूई सनस्क्रीन लगाओगे ना, उसके ऊपर मैट मेकअप करोगे तो वो थोड़ा सा मैटिफाई भी होगा, बट एट द सेम टाइम एक ग्लो देगा आपकी स्किन को. तो मुझे पर्सनली काफी पसंद है. इसकी SPF काफी अच्छी है, 50 प्लस PA 12 प्लस की प्रोटेक्शन है, स्किन को बहुत अच्छे से नरिश भी करती है. आई क्विकली शो यू अ स्वॉच एज वेल. सो दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक. और ये इतनी वाइट कास्ट देती, काफी लाइट है, मतलब ऐसा लगता है मैं कोई लाइट मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ. जैसे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं होते, ये बिल्कुल वैसी लगती है. लाइक लुक एट दिस. मैं वैसे यूजली जब सनस्क्रीन ब्लेंड करती हूँ कितना वाइट हो जाता है, लेकिन ये फटाफट स्किन में चलेगी और कितनी अच्छी ग्लो दे रही है. लाइक कैन यू सी माई हैंड, ये कैसा ड्राई लग रहा है और इस पर कितनी अच्छी एक नरिशमेंट फील हो रही है. सो स्किन को नरिशमेंट देने के लिए भी ये काफी अच्छी सनस्क्रीन है. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है लेकिन आप मेकअप मैट करते हो, या फिर आपकी ड्राई स्किन है, तो दोनों कंडीशन में ये चल जाती है. बट यस, अगर आप इसको खाली सनस्क्रीन लगा के छोड़ दोगे ऑयली स्किन वाले स्पेसिफिकली, तो थोड़ा सा आपको ग्रीसी फील हो सकता है, स्वेटी फील हो सकता है. सो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ड्यूई सनस्क्रीन अगर लगाई है तो कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लो, सो दैट आपकी स्किन मैटिफाई हो जाए. बट आई लव इट. आई थिंक अभी डील पे मिल रही है तो डेफिनेटली ग्रैब इट. नेक्स्ट अप आई स्पॉटेड माय करंट फेवरेट रेजर. करंट भी क्या, बहुत सालों का फेवरेट रेजर. मैं बहुत सारी ब्रांड्स के ट्राई करती हूँ लेकिन मैं वापस इसी को परचेज कर लेती हूँ. और अभी आपको मिल रहा है इसका पैक 189 रुपीज का, विच इज लाइक 53% ऑफ. सो डेफिनेटली ग्रैब इट. आपको अंडर 200 रुपीज में तीन रेजर मिल रहे हैं. सो ये फ्रॉम द ब्रांड ईवीओर का लेट शेव, जो ब्रांड है उसी का ये ईवीओर का फेस रेजर है. दिस इज ऑल द पैकेट लुक्स लाइक. अभी इसमें मेरे दो नए रखे हुए हैं बिकॉज मैंने भी रिसेंटली मंगाया था. दिस इज द वन आई एम यूजिंग. ये बहुत अच्छा रेजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मुझे ग्रिप काफी अच्छी लगती है. कैन यू सी, इसमें जो ये पिंक कलर की ऐसे रबड़ जा रही है, बहुत अच्छी ग्रिप देती है आपकी हैंड्स को. यू गेट अ प्रोटेक्टिव लिड एज वेल एंड देन यू हैव अ ज़िगज़ैग पैटर्न जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को शेव ऑफ कर देता है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रेजर इज ये एक्सट्रीमली शार्प नहीं है. काफी बार होता है ना, जल्दी जल्दी आप शेव करते हो, टाइम नहीं होता, कट कर लेते हो, स्किन पर बम्स आने शुरू हो जाते हैं. और अगर आप बिगिनर हो ना तो ये रेजर काफी अच्छा है बिकॉज ये एक्सट्रीमली शार्प नहीं है, काफी सेफ है. मैं अगर इस पर प्रेशर भी लगाती हूँ ना तब भी मेरी स्किन पर कोई कट या फिर बम्स नहीं आते. सो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आई थिंक दीज आर रियली नाइस. अगर आप शेविंग करना प्रेफर करते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, यू वोंट रिग्रेट. नेक्स्ट अप आई हैव अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम सेटाफिल. ये है सेटाफिल का डैम, विच इज डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन. सो वैसे ही क्लेम करता है फॉर कंटिन्यूसली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. इसकी पैकेजिंग पे भी लिखा है कि ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए है. बट देयर आर डेज जब मैं कोई एक्ने ट्रीटमेंट यूज कर लेती हूँ, लाइक AHA BHA केमिकल पील कर लिया या फिर सैलिसिलिक एसिड का सीरम यूज कर लिया, तो तब क्या होता है स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है. और जब ऑयली स्किन वाले भी अपनी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर देते हैं किसी ट्रीटमेंट से, तो आपकी स्किन का बैरियर एक तो खराब होता है, सेकंड आपकी स्किन और ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है. सो इससे बेटर है आप ऐसी ट्रीटमेंट करने के बाद एक अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजर लगाओ. सो मुझे उस टाइम पे यूज करना काफी पसंद है. ऑल्सो मैं इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में मेकअप करने से पहले भी काफी बार यूज कर लेती हूँ. लाइक मुझे वेडिंग सॉर्ट ऑफ मेकअप करना, जहां मुझे पता है मैं बहुत हैवी बेस करने वाली हूँ, कलर करेक्शन होगा, फाउंडेशन होगा, कंसीलर, ये सब होगा, तो मुझे इसकी नरिशमेंट अच्छी लगती है. द बेस्ट थिंग इज इट इज नॉन कॉमेडोजेनिक. ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती, नॉन इरिटेटिंग. ये डर्मैट्स भी रिकमेंड करते हैं बिकॉज कहने की बहुत जेंटल फॉर्मुलेशन है और इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है. सो ये बड़ी वाली पैकेजिंग है. अगर आप इसकी छोटी लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिलती है अमेजोन पे, वो तो और अंडर ₹200 समथिंग आ जाती है. वेयर एज ये डील पर अगर आप लोगे तो अच्छी डील पड़ेगी. अभी 403 रुपीज की मिल रही है, विच इज नॉट बैड. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस इज ऑल द क्रीम लुक्स लाइक. इसका भी एकदम वो एक्वालॉजिका की जैसी सनस्क्रीन है ना, बिल्कुल वैसे ही टेक्स्चर फील होता है, बट ये और ज़्यादा नरिशिंग है बिकॉज ये अल्ट्रा हाइड्रेटिंग है. अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, आपको ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई दिस वन. नेक्स्ट अप आई स्पॉटेड दीज अर्थरिदम रीयूजेबल मेकअप रिमूवर क्लेंजिंग पैड ऑन 40% ऑफ. ये आपको 198 रुपीज के दो मिलेंगे. सो ये सॉर्ट ऑफ टू आता है, दूसरा मैंने पता नहीं कहाँ रखा है, मैं अभी करंटली यही वाला यूज कर रही हूँ. सो बेसिकली कुछ इस तरह से दिखता है. कैन यू सी, ये काफी सॉफ्ट है, मतलब इट्स लाइक अ वेरी सॉफ्ट माइक्रोफाइबर. इसके अंदर स्पंज है. सो क्या करना होता है, जब भी मैं ऑयल क्लेंजिंग करती हूँ, लाइक हैवी मेकअप किया है, तो माइसल वाटर से तो एक तो हटेगा ही नहीं वो, तो मैं ऑयल क्लेंजर यूज करती हूँ. आजकल मैं फेस शॉप का यूज कर रही हूँ, राइस वाटर वाला ऑयल क्लेंजर. अच्छे से मसाज करती हूँ, फिर इसको गर्म पानी या फिर थोड़ा सा वार्म वाटर अगर अवेलेबल होता है, लाइक गीजर ऑन होता है या फिर केटल से थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ. बिकॉज गर्म हल्का सा ल्यूक वार्म, जलता हुआ पानी नहीं यूज करना, ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके स्क्वीज करके फिर उसको रिमूव करती हूँ, मेरा सारा मेकअप उतर जाता है. लाइक ये स्टेप इंश्योर करता है कि मेरे पोर्स बिल्कुल
बिल्कुल क्लॉग नहीं होंगे, जितना भी मेकअप होता है वो ब्यूटीफुली निकल जाता है। इसको ऐसे फोल्ड करके मैं ऐसे मस्कारा भी हटाती हूँ। आई रिमेंबर इसका मैंने रिव्यू किया था बहुत टाइम पहले रील्स पर, जब मतलब रील्स शुरू हुई थी इंस्टाग्राम पर, तब मैंने रिव्यू किया था। मेक श्योर यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की रील्स पर मैं इतने सारे रिव्यूज़ करती हूँ ना, माई इंस्टाग्राम ग्रोथ इज़ वेरी बैड बिकॉज आई थिंक मैं प्रोबेबली वहाँ पर भी रिव्यूज़ कर रही हूँ, जबकि वहाँ पर लोग ज़्यादा नाचने गाने ऐसा वाला कॉन्टेंट चलता है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, मैं आपको अच्छा प्योर कॉन्टेंट देना चाहती हूँ। सो अगर आप मुझे वहाँ पर फॉलो करोगे आपको बहुत सारे वहाँ पर भी रिव्यूज़ मिलने वाले हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस, इससे पैक हटाना भी काफ़ी आसान हो जाता है और पानी भी बचता है। काफ़ी बार हम कॉटन पैड्स एक तो यूज़ करते हैं, फिर कॉटन पैड्स बहुत वेस्ट होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है, इसको रीयूज़ भी कर सकते हो। प्लस जब आप पैक्स भी हटाते हो ना, आप इतना सारा पानी लगा लगा के उस पैक को रगड़ते हटाते हो, हटता नहीं है, लाइक मुल्तानी या फिर कोई क्ले पैक होता है। सो सेम वे में मैं इसको वार्म वाटर या फिर ठंडे पानी में डिप करके सारे पैक को पहले हटा लेती हूँ, फिर वॉश करती हूँ, जल्दी से उतर भी जाता है और इसको मैं उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि अनहाइजेनिक तो नहीं, आप इसको रीयूज़ कैसे करते हो? तो मेरे पास काफ़ी सारे फेस वॉश है जो नहीं सूट करते, सो मैं क्या करती हूँ उनका ऐसा क्लेंजर यूज़ कर लेती हूँ, उन सारे फेस वॉश को मतलब हल्का सा पोर करके रब करके अच्छे से वॉश करती हूँ, दो तीन बार स्क्वीज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ऐसा लूप दिया होता है और ये लूप काफ़ी काम आता है, इसी से मैं इसको अपने वहाँ पे हैंग कर देती हूँ वॉशरूम में, नेक्स्ट डे तक ये सूख जाता है, फिर इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। सो दिस इज़ रियली नाइस। नेक्स्ट टाइम आई स्पॉटेड दिस बॉडी स्क्रब, नेक्स्ट अप आई स्पॉटेड दिस बॉडी स्क्रब फ्रॉम एम कैफीन, जो मेरा फेवरेट बॉडी स्क्रब है। मैं बहुत सारे बॉडी स्क्रब्स यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन मैं वापस इसी पर ही आती हूँ बिकॉज मेरी लेग्स के लिए काफ़ी सही है। मैं अपनी लेग्स को शेव करती हूँ ना, तो वो बिल्कुल जेंटल वाले एक्सफोलियंट होते हैं ना, वो मेरे लिए काम नहीं करते। अगर आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज इसके कॉफ़ी के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो शायद हार्श हो सकते हैं, बट मुझे ब्यूटीफुली सूट करता है। जितना भी मतलब ऐसा लगता है ना गंक है बॉडी पर, जो भी जिमिंग एंड ऑल करके स्वेट एंड ऑल हो चुका है, पोर्स लॉग हो रहे हैं, फिर जब शेव भी करो ना बहुत अच्छी स्मूथ शेव अचीव होती है जब उससे पहले मैं इसको अप्लाई करके स्क्रब करती हूँ। सो इसके साथ आपको ये स्पैचुला टाइप मिलता है, वेयर इज अ स्पैचुला। सो इसको मैं वॉशरूम में ही रखती हूँ और मैं इसी के अंदर रखती हूँ, मैं इसको खाली नहीं रखती बिकॉज कांच की बॉटल है यार, हाथ से गिर गई तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को इसके अंदर रखती हूँ, स्पून से थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालती हूँ, पानी डाल के फिर अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ। दिस इज मोर लाइक एन एक्सपीरियंस, मतलब जिस दिन मेरा होता है ना मेरा दिमाग घूम रहा होता है, एज इन बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ, मतलब अजीब सा कुछ ओवर थिंकिंग टाइप चल रही होती है, तो मेरा सबसे बेस्ट रिजॉर्ट होता है अच्छे से एक वॉशरूम में जाओ और एक अच्छी सी बात लो। मैं बॉडी स्क्रब कर लेती हूँ, हेयर मास्क लगा लेती हूँ, मैनीक्योर मतलब वो थोड़ा सा फुट स्क्रबिंग एंड ऑल कर लेती हूँ। इसकी जो खुशबू है ना कॉफ़ी की, वो एक एक्सपीरियंस है। सो अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए बात लेना चाहते हो ना, ट्राई दिस वन। इसके सेट्स भी मिल रहे हैं, अभी राखी आ रही है, सो आप एम कैफीन के अगर सेट भी लेना चाहते हो ना अपने ब्रदर या फिर सिस्टर को देने के लिए, बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेन स्किन के लिए और ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर है, तो वो भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आप उसका पैक भी उनको गिफ्ट कर सकते हो। दिस इज FDA approved, SLS free, dermatologically tested, 6 months का इसका यूसेज टाइम है और इसमें कॉफ़ी के अलावा और भी अच्छे इंग्रीडियंट्स है लाइक कोकोनट एंड ऑल, जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। दिस इज अ ड्राई पाउडर, जिनको नहीं पता ये बिल्कुल एक सूखा पाउडर है, और खोलते कॉफ़ी खुशबू हुए आपका मन कर जाता है कॉफ़ी पीने का, बट दिस इज रियली नाइस। नेक्स्ट बॉडी केयर की बात चली रही है तो मैंने एक और चीज़ स्पॉट करी जो मेरा फार्मेसी फेवरेट प्रोडक्ट है, मैंने अपने बॉडी केयर फेवरेट्स में भी फीचर किया था, ये है कैंडिड का डस्टिंग पाउडर जो एक्सपर्ट स्किन सोल्यूशन वाला है। कैंडिड के दो पाउडर आते हैं, एक रेगुलर वाला पाउडर आता है जो प्रिकली हीट वाला पाउडर होता है, वो आप ले सकते हो, लेकिन ये जो डस्टिंग पाउडर एक्सपर्ट सोल्यूशन वाला है ये स्पेसिफिकली है घमोरियों के लिए, रैशेस के लिए, लाइक आपको बैक पे एकदम रेडनेस होगी, स्वेटिंग होती है। मेरी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा लाइक किचन में काम वगैरह करती हैं, वैसे थोड़ा ही पसीना आता है, उनकी स्किन पूरी रेड हो जाती है, शी इज़ एक्सट्रीमली फेयर, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली मंगवाया था। ये अमेजोन पर ना आपको पैक ही मिलेगा, आप सिंगल नहीं ले सकते बिकॉज ये बहुत सस्ता आता है, फार्मेसी से लोगे तो लाइक 125 का आपको केमिस्ट पे 110 या फिर 100 रुपए का वो दे देंगे। अमेजोन पे आपको इसका पैक ऑफ 3 लेना पड़ेगा, बट 3 भी ले लो, होल फैमिली कैन यूज इट। दिस इज रियली नाइस, ये एकदम ओल्ड स्कूल फेवरेट है जो हर इंडियन के घर में होता ही है। इसकी खुशबू प्लीजिंग नहीं है, लेट मी जस्ट टेल यू, डोंट एक्सपेक्ट कि इसकी बाथ एंड बॉडी वर्क जैसी खुशबू होगी। ये एक प्रिकली हीट सॉर्ट ऑफ डस्टिंग पाउडर है, सो ये अपना काम करता है, जो भी घमोरिया रैशेज होती हैं उसको अच्छे से हटा देता है। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा बहुत अपने लेग्स पर मसाज करके फिर जिम टाइट्स पहनती हूँ बिकॉज आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा है। सो जब पॉलिएस्टर वाली या फिर वो सिंथेटिक की जिम टाइट्स पहनो ना तो ऐसे रैशेज रैशेज फील होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा डस्ट करती हूँ अपनी बॉडी पे, मसाज करती हूँ और फिर मैं अपनी टाइट्स पहनती हूँ, उससे भी कहीं ना कहीं जो रैशेज और रेडनेस होती है वो कम हो जाती है। कमिंग टू मेकअप कैटेगरी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर डील होती है, बट जो सबसे अच्छे मुझे 3 डील लगी ना जो मैं फीचर करना चाहती हूँ, सबसे पहले आईज़ के लिए मुझे जो दिखा जो मेरा आजकल का फेवरेट है वो है ये फेसेस कैंडा का मैग्नेटाइज आई लाइनर। मैंने जस्ट अभी रील भी बनाई थी फेवरेट आई लाइनर्स की, उसमें मैंने फीचर किया था।
का, ये अभी मिल रहा है आपको अमेजोन से 156 रुपीज का, विच इज अ स्टील डील. अगर आप कॉलेज गोइंग हो ना, आपका बजट कम है, टीनेजर हो, ये लाइनर आप ले सकते हो. ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इट हैज अ वेरी थिन ब्रश, मतलब इतना अच्छा इससे विंग बनता है ना, इससे आप विंग बनाने में गलती कर ही नहीं सकते बिकॉज इसका ब्रश ही इतना थिन है, आपका इससे मोटी विंग बनेगी नहीं. वेरी वेरी नाइस, ये स्टे बहुत अच्छे टाइम के लिए करता है, वाटर प्रूफ है, ज्यादा मेल्ट ऑफ नहीं होता, और जब रिमूव करो माइसलर वाटर से तो इजिली रिमूव भी हो जाता है. अगेन फेसेस कैनेडा, वेरी ट्रस्टेड गुड क्वालिटी ब्रांड. तो अगर 156 रुपीज में आपको एक अच्छी ट्रस्टवर्दी ब्रांड का आई प्रोडक्ट मिल रहा है ना, आई वुड से ग्रैब दिस. नेक्स्ट अप ऑन अ रियली गुड डील इज दिस मस्कारा बाय मार्स. आपको 169 रुपीज का मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी, जो टू फेस का बेटर देन सेक्स मस्कारा आता है ना, ये उसके टक्कर का मस्कारा बिकॉज ये एग्जैक्ट सेम रिजल्ट देता है. तो अगर आपको 2500 का रिजल्ट 169 में मिल रहा है ना, सो डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हो. उसकी पैकेजिंग इतनी हैवी नहीं है, काफी हल्की इसकी बॉडी है, बट पैकेजिंग पर मत जाना, इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ना वो काफी अच्छा. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द वॉन्ड, द वॉन्ड इज ह्यूज एंड थिक, और इसकी वॉन्ड में एक बड़ा डिफरेंस सा एक शेप है, आप देख सकते हो, एक ऐसे कर्व जा रहा है और ये इसको आप ऊपर कर दोगे तो ऐसे. सो ये जो बेसिकली कर्व जा रहा है ना, ये काफी ज्यादा काम आता है. आपको एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स, बेसिकली दो शेप आपको एक ही मस्कारा वॉन्ड में मिल रही है, विच इज वेरी यूनिक. मैंने किसी मस्कारा में ऐसे नहीं देखा. इसी के दो या तीन कोट से आपकी लैशेज इतनी ब्यूटीफुली कोट होती है. द ओनली थिंग इज इसको उतारना काफी मुश्किल है, मतलब इसको उतारने के लिए एक ऑयल क्लेंजर लगता है, ये माइसलर वाटर से अच्छे से नहीं उतरता. बट अगर आप वेडिंग या फिर पार्टी मेकअप के लिए हैवी लैशेज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए काफी अच्छा है. या फिर आपकी लैशेज बहुत कम है, आप उस पर वॉल्यूम और लेंथ ऐड करना चाहते हो इन बजट, सो दिस इज रियली नाइस. नाउ फॉर चीक्स, आई हैव टू प्रोडक्ट्स विच आर सुपर अफोर्डेबल. सबसे पहले है ये अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट, जो लिटरली अभी आपको 43% ऑफ में मिल रहा है, 284 रुपीज का मिल रहा है. और ये 284 रुपीज की बॉटल आई थिंक आपका एक साल से ज्यादा निकाल देगी, बिकॉज मैं खुद 6-7 महीने से कॉन्टिन्यूसली यूज कर रही हूँ और अभी तक तो मुझे ये कहीं भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है. अभी मतलब ऐसा लग रहा है अभी भी पूरी बॉटल फिल है, बिकॉज ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड ब्लश है. सो ये लिप एंड चीक टिंट है, मैं इसको अपने लिप्स पर नहीं यूज करती, मैं इसको अपने चीक्स पर यूज करती हूँ. एंड दिस इज पिगमेंटेड AF, मतलब इसको अगर आप हल्का सा भी ज्यादा लगा दोगे ना, आपके पूरे चीक्स ऐसे रेड रेड हो जाते हैं. द बेस्ट थिंग इज कि आपकी चीक्स को बहुत अच्छे से एक ड्यूइनेस देता है. अगर आपको एकदम मैट फेस नहीं पसंद, आप चाहते हो आप हाईलाइटर भी ना लगाओ, आपके हाईलाइटर के बिना ही आपकी चीज ग्लो करे, नेचुरल लगे, तो ये ब्लश काफी सही है. बिकॉज एट लास्ट आई हैव अ हाईलाइटर फॉर ₹99. ये वैसे मैंने नायका से लिया था, बट ये आपको अमेजोन पर भी 99 रुपीज का मिल रहा है. सो ये है इनसाइड का मेकअप एसेंशियल हाईलाइटर. इसकी मैंने किसी एक क्रिएटर की रील देखी थी एंड आई रियली लाइक इट. सो ये है शेड नंबर 05 सैवेज बॉबी. सो ये बिल्कुल कलर पॉप के जो आते हैं ना, ऐसे लिक्विड आई शेडोज जो आते हैं, बिल्कुल उसकी एक फर्स्ट कॉपी लगता है फॉर 99. सो दिस इज हाउ सैवेज बॉबी लुक्स लाइक. लुक एट दिस, हमारी इंडियन स्किन जो है ना, थोड़ी सी ऐसे ऑरेंज ब्राउन टोन होती है, उस पर ये वाला जो कलर है बहुत अच्छा लगता है. नाउ आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब इसको ट्राई किया, इसके पार्टिकल्स थोड़े से चंकी है, मतलब अगर आपके पास कोई भी बहुत पास आके देखेगा तो चंकी लग सकते हैं, लेकिन जो वेडिंग और पार्टीज वाला मेकअप होता है उसमें तो हम सब लाउड मेकअप करना प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए काफी सही है. आई थिंक लुक एट द शाइन, कैन यू सी, एक बहुत प्यारी शाइन आती है इससे. आई पर्सनली लव्ड इट. मैंने अभी आज कोई हाईलाइटर ही लगाया, मुझे जस्ट अभी याद आया, मैं थोड़ा सा लगाती हूँ. मानेगा ही नहीं कि हाईलाइटर खाली 99 रुपीज का है, बिकॉज लुक एट दिस ब्रो, कितनी अच्छी शाइन आई है. ये कितने थोड़े से डल लग रहे हैं और यहाँ पे कितनी अच्छी शाइन आई है. बट इसके पार्टिकल्स ही थोड़े से चंकी हैं, तो मैं इसको डे टाइम में रेगुलर वे में नहीं रिकमेंड करूंगी, लेकिन फोटोग्राफी के लिए, लाइक मैं अभी शूट कर रही हूँ लाइट्स में, तो उसमें ये जो हाईलाइटर है ना, ये काफी सही इफेक्ट देता है. द फैक्ट दैट इट इज वेरी इजी टू यूज, मुझे ब्रश की जरूरत नहीं है, मैं इसको हाथ से ब्लेंड करके लगा सकती हूँ, और इसको आप ऐसा आई शेडो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये काफी प्यारा गोल्डन टोन कलर है. रियली नाइस, 99 में तो स्टील डील है. सो दीज वर माई टॉप पिक्स फ्रॉम अमेजॉन ग्रेट फ्रीडम सेल. आप डेफिनेटली इन सबको ग्रैब कर सकते हो, मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एक माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे ना, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे विद अपडेटेड प्राइस, तो आपको पता भी चल जाएगा किसका क्या प्राइस चल रहा है, आप इजिली शॉप कर सकते हो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आप उनको भी ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना चाहते हो. सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर. आपको ऐसे बहुत सारे रिव्यूज मेरी स्टोरीज पर, पोस्ट पर, रील्स के थ्रू देखने को मिलते हैं, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan, DP बिल्कुल सेम है, तो आपको दिख जाएगा. लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हो. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.